हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं मिलिकन वेरिफिकेशन ऑफ आइंस्टीन इक्वेशन। यानी आइंस्टीन ने जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इक्वेशन दी थी उसको मिलिकन ने वेरीफाई किया था अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू। डिफरेंट डिफरेंट मेटल और डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की वेव्स लेकर उन्होंने वेरीफाई किया था कि आइंस्टीन ने जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इक्वेशन दिया है वो सही है। फ्रेंड्स, आइंस्टीन ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जो इक्वेशन दी थी उसमें ये बोला था कि जो लाइट होती है वो क्वांटाइज्ड होती है, छोटे छोटे क्वांटा के फॉर्म में होती हैं और उन क्वांटा की एनर्जी को फोटोन बोलते हैं और उनकी एनर्जी एच न्यू से असाइन होती है, जिसमें एच प्लैंक कॉन्स्टेंट है और न्यू लाइट की फ्रिक्वेंसी है। और जब कोई एच न्यू फ्रिक्वेंसी की लाइट किसी मेटल सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होती है तो एक इलेक्ट्रॉन सरफेस का जो इलेक्ट्रॉन है वो लाइट का एक फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेगा, कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लेगा और उस फोटोन की कुछ एनर्जी सरफेस से, मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को एमिट करने में यूज़ होगी और बाकी की बची हुई जो एनर्जी होगी वो उस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती है। ये इक्वेशन आपने देखी थी। आइंस्टीन के अकॉर्डिंग एच न्यू फोटोन की एनर्जी इज इक्वल टू होती है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन वो एनर्जी होती है जो फोटोन की एनर्जी यूज़ होगी इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से निकालने में, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ये वी मैक्सिमम स्क्वायर है। जो बची हुई एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी देगी इलेक्ट्रॉन को और इस वर्क फंक्शन को दिखाई देते हैं, लिखते हैं एच न्यू जीरो प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। और ये फ्रिक्वेंसी न्यू नॉट क्या रिप्रेजेंट करती है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। यानी कि अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट को मेटल के ऊपर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होते हैं मेटल की सरफेस से। ये सब हमारे पहले लेक्चर में आपको मैंने समझाया है और ये इक्वेशन दी थी आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप लिख सकते हैं इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। फ्रेंड्स, अब क्या किया मिलिकन ने, एक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट मेटल को एक ड्रम से कनेक्ट कर दिया। ये डिफरेंट डिफरेंट मेटल है जो येलो कलर से दिखाई दे रही हैं और ये अलग अलग एल्कलाई मेटल्स हैं। ठीक है, और एक नाइफ लिया। इस नाइफ की हेल्प से जो मेटल सरफेस है उसको साफ किया जा सकता है, क्योंकि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक सरफेस फिनोमिना है तो उसके सरफेस पे किसी भी तरह का कॉन्टिमिनेशन नहीं होना चाहिए। उस चीज़ को साफ करने के लिए नाइफ लिया गया है। ये डर्म आप मैन्युअली बाहर से घुमा सकते हैं जिससे मेटल की सरफेस को चेंज कर सकते हैं। और ये विंडो बनी हुई है जिसके ऊपर क्वार्ट्ज का एलिमेंट लगा हुआ है। क्वार्ट्ज के एलिमेंट की ये स्पेशलिटी होती है कि वो अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो इस विंडो के थ्रू लाइट इंसिडेंट कराएंगे मेटल की सरफेस पर। ये ड्रम है, इसको घुमा सकते हैं। ये बल्ब है पूरा और इसके अंदर एक एनोड लगा हुआ है। एनोड को एक पोटेंशियल डिवाइडर से कनेक्ट किया हुआ है। इस पोटेंशियल डिवाइडर से आप पॉजिटिव और निगेटिव पोटेंशियल भी लगा सकते हैं और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया हुआ है। अगर सर्किट में किसी भी तरह का करंट होगा तो इस गैल्वेनोमीटर की हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह का अरेंजमेंट मिलिकन ने किया और डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट कराकर, अलग अलग मेटल्स पर इंसिडेंट कराकर एक ग्राफ प्लॉट किया। फ्रेंड्स, फ्रिक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच जब उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया तो वो ग्राफ इस तरह का हुआ। तो पहले उन्होंने क्या किया, इसको एनोड को जीरो पोटेंशियल पर रखा, यानी आपने जो पोटेंशियल डिवाइडर की हेल्प से जीरो पे सेट किया तो देखा तब भी जब आपने लाइट डाल रहे हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं मेटल के सरफेस पर, तब उस कंडीशन में
इलेक्ट्रॉन एमिट होना शुरू हो गए हैं। अब यहाँ पर अगर आप जीरो भी पोटेंशियल लगा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एनोड तक पहुँच पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है जिसके थ्रू वो एनोड तक पहुँच पा रहे हैं और सर्किट कंप्लीट हो रहा है और करंट यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में दिखाई दे रहा है। तो मिलिकन ने यहाँ से रिटार्डेड पोटेंशियल या निगेटिव पोटेंशियल लगाना शुरू कर दिया, और जब रिटार्डेड पोटेंशियल लगाया तो धीरे धीरे करके जो इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि यहाँ पे अब निगेटिव पोटेंशियल हैं, तो रिपेल होना शुरू हो गए और यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाया, तो करंट फ्लो नहीं हो पा रहा था। तो एक कंडीशन ऐसी आई जहाँ पे धीरे धीरे करके जिस पर्टिकुलर पोटेंशियल पर करंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, उस पोटेंशियल को बताया कि जब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए, उस कंडीशन में जिस पोटेंशियल के कॉरस्पॉन्ड जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी, ये वी मैक्सिमम के इक्वल होगी, यानी कि जो सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी था वो भी एनोड तक नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से निकल रहे हैं, कुछ कम से, क्योंकि कुछ थोड़े डेप्थ से निकल रहे हैं, उन्हें बाहर निकलने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को, जो बिल्कुल सरफेस पर हैं उनको कम एनर्जी चाहिए, उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। तो काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला भी इलेक्ट्रॉन इस स्टॉपिंग पोटेंशियल की हेल्प से रुक जाएगा। तो इसे बैलेंस करने के लिए ये रिटार्डेड पोटेंशियल निकाला गया। तो यहाँ पे ई वी नॉट की वैल्यू रखी और ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगी। इस इक्वेशन की हेल्प से V नॉट इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन ई माइनस, देखिए फ्रेंड्स ये इक्वेशन आइंस्टीन की इक्वेशन भी है और ये इक्वेशन मिलिकन ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकाली है और इसकी हेल्प से ये निकाला है। ये देखिए V नॉट और न्यू के बीच में एक स्ट्रेट इक्वेशन है जिसका स्लोप बताती है h अपॉन e स्लोप ऑफ द कर्व। तो यानी इस कर्व का जो स्लोप है वो h अपॉन न्यू के इक्वल हो जाएगा, और जो ये निगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल वाले पे जितना कट लगेगा इस वाली स्ट्रेट लाइन से, ये माइनस h अपॉन e इंटू न्यू नॉट के इक्वल होगा। तो मिलिकन ने बहुत सारे मेटल्स लिए, बहुत सारी फ्रिक्वेंसी की लाइट ली और इस कर्व जब भी देखा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रिक्वेंसी के बीच में इसी तरह का कर्व आया। ये बात अलग है कि अलग अलग मेटल के लिए वर्क फंक्शन अलग होता है, तो अलग अलग वर्क फंक्शन के इक्वल स्टॉपिंग पोटेंशियल भी अलग आया। अगर फ्रिक्वेंसी आप कम कर रहे हैं या ज़्यादा कर रहे हैं तो उसी हिसाब से स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी कम या ज़्यादा होती रही है, और जैसे जैसे आपने मेटल चेंज की तो ये चीज़ चेंज होती चली जाएगी। इसी चीज़ को मिलिकन ने वेरीफाई कर दिया कि आइंस्टीन की जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को जिसका इस तरह का टाइप का बन जाएगा एच अपॉन ई की फॉर्म में, इसको इस ऑब्जर्वेशन से प्रूव कर दिया है मिलिकन ने। अब देखेंगे हम कि मिलिकन ने एच की वैल्यू, वर्क फंक्शन की वैल्यू और साथ में थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी की वैल्यू भी अपने एक्सपेरिमेंट से कैसे निकाली। देखिए फ्रेंड्स, मिलिकन ने कोई भी लाइट ली, उसकी फ्रिक्वेंसी उनको नॉन थी जब, तो पता है कि इस एच न्यू फ्रिक्वेंसी की लाइट ली है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को उन्होंने निकाल लिया यहाँ से, जैसे बिल्कुल करंट जिसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाए। तो जैसे ही पता चला तो ये वाला स्लोप आपको पता चल जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, उसकी हेल्प से माइनस एच अपॉन ई न्यू नॉट इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू रखी V नॉट, और इसके अकॉर्डिंग E की वैल्यू आपको पता है और H की वैल्यू आपको पता है, V नॉट की वैल्यू आपको पता है, तो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी की वैल्यू निकल के आ जाएगी दिस। ठीक है, निगेटिव का फ्रिक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है, तो निगेटिव साइन इसमें कंसिडर नहीं होगा, तो ये चीज़ आ जाएगी इसके। तो आपको ये सारी चीज़ें पता हैं, V नॉट आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल भी पता होगा, E और H, तो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी किस मेटल के लिए कितनी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है ये निकाल सकते हैं। सेकेंडली वर्क फंक्शन भी निकाल सकते हैं। वर्क फंक्शन क्या होगा, अगर H को न्यू नोट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वर्क फंक्शन, उसकी वैल्यू भी निकाल के दिखाई कि किस मेटल के लिए वर्क फंक्शन कितना होगा।
साथ में प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू भी निकाल के दिखाई, जैसे ये स्लोप है h अपॉन न्यू के इक्वल, तो स्लोप की वैल्यू निकाली एक्सपेरिमेंटल कर्व से, h की वैल्यू, न्यू आपको पता ही है कि किस फ्रिक्वेंसी की लाइट आप डाल रहे हैं, विजिबल की या अल्ट्रावायलेट की, तो उसकी हेल्प से h की वैल्यू भी निकाल दी स्लोप इंटू फ्रिक्वेंसी से। तो फ्रेंड्स, मिलिकन ने अपने एक्सपेरिमेंट से प्लैंक कांस्टेंट, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी और वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, इन सबको निकाल के दिखाया। तो इस तरह से मिलिकन ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन को वेरीफाई कर किया कि ये इक्वेशन बिल्कुल सही है, और साथ में इन सब की वैल्यू भी निकाल कर दिखाई। ये लेक्चर इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। थैंक यू।